हाय गाइस, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। मेरा नाम सोनू है और आप देख रहे हैं ट्रू अपडेट। और इस वीडियो में आप बताने वाला हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके रेडमी टीवी के लिए। अगर आप बस मी टीवी है तब भी आप उसका यूज कर सकते हैं और ये काफ़ी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट। तो जो सबसे पहला मेरा टिप्स रहेगा, अगर आप अपनी रेडमी या मी टीवी को सेट टॉप बॉक्स लगा के यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपको ये जो लाइव टीवी है यहाँ पे बार बार हमें सेटअप करना होता है एवी पे जाके, या अगर बात करें यहाँ पे सेटिंग्स में इनपुट में जाके हमें बार बार सेटअप करना होता है तभी वो लाइव टीवी सेटअप बॉक्स वाला चलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही आपकी टीवी ऑन हो तो डायरेक्टली बूट होके आपकी टीवी सेटअप बॉक्स के जो चैनल है वो प्ले करे, तो इसके लिए एक छोटा सा सेटिंग्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है इसको ओपन करना है, एंड देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है इनपुट का सेकंड नंबर पे, इसको ओपन करना है। इसको आप जैसे ओपन करते हो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्टे ऑन द प्रीवियस सोर्स। जैसे आप इसको इनेबल कर लेंगे तब आप देखेंगे कि आप ऑटोमेटिकली जब भी आप अपनी टीवी को ऑन करेंगे तो आपकी टीवी डायरेक्टली सेटअप बॉक्स के साथ ही स्टार्ट होगी जो भी चैनल आपके चलते होंगे। तो ये था गाइस पहला टिप्स। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टिप्स के बारे में। तो अगर आप भी Spotify पे पॉडकास्ट या YouTube पे ऐसा चाहते हैं कि आपकी जो टीवी है वो एज ए स्पीकर हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, कि आपको सिर्फ ऑडियो अगर सुनना चाहते हो, तो इसके लिए भी एक टिप्स है मेरे पास। तो आपको यहाँ पे YouTube ओपन करना है, या मेरे पास Spotify अभी डाउनलोड नहीं कर रखा है इस वजह से मैं, वरना उस पर करके दिखा देता। तो ये देख सकते हो YouTube आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको कोई भी एक वीडियो प्ले कर लेना है। तो यहाँ पे हल्का सा मैं म्यूट करने वाला हूँ उसको। सो गाइज यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो ये जो वीडियो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आपको इसको सिर्फ ऑडियो इसको अगर आपको सुनना चाहते हैं, कोई पॉडकास्ट है Spotify पे या कुछ भी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देख सकते हो एक पावर बटन देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को मैं प्ले कर लेता हूँ और इस पावर बटन को मैं प्रेस करने वाला हूँ। अभी मैंने म्यूट कर रखा है ऑडियो को, तो पावर बटन को आपको प्रेस करके रखना है कुछ सेकंड तक। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीन ऑफ का, तो आप इस पर ऐसे क्लिक करेंगे तो आपका जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जाएगा। अब मैं वॉल्यूम इसका देने वाला हूँ, आप सुन सकते हो ऑडियो। तो परमात्मा से एकाकार करना हो तो ऋषिकेश आइए, पर्वतों की पावनता निहारनी हो तो ऋषिकेश आइए, सांस सांस। और अगर आपको इसको स्क्रीन ऑन करना है तो आप इस पावर वाले बटन को प्रेस करेंगे तो आपका स्क्रीन भी ऑन हो जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको एक तीसरा टिप्स भी दे देता हूँ। अगर आप इसमें म्यूट करना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि इसमें म्यूट का कोई भी ऐसा बटन देखने को नहीं मिलता, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो रेडमी की टीवी में या मी टीवी में। तो म्यूट करने के लिए आप यहाँ पे एक बटन यूज कर सकते हो जो कि ये है, जो वॉल्यूम डाउन वाला बटन है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो बटन है गाइज, अगर आप इसको दो बार प्रेस करते हैं तो आपकी टीवी म्यूट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो म्यूट का साइन आ चुका है। तो ये था गाइज तीसरा टिप्स। अब बात कर लेते हैं चौथे के बारे में। तो अगर आपकी टीवी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्लो वर्क कर रही है तो आप इसका जो एनिमेशन है वो फास्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डिवाइस प्रेफरेंस का, इसमें जाना होगा, एंड देन यहाँ पे अबाउट में जाना है। इसके बाद सबसे नीचे आना है हमें और एंड्रॉयड टीवी ओएस बिल्ड आपको देखने को मिलेगा। इसको दो से तीन बार आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है कि मेरा डेवलपर इनेबल पहले से इनेबल है, इसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप इनेबल कर लेते हैं डेवलपर ऑप्शन, आपको नीचे आना है बैक करके और यहाँ पे आप देख सकते हो डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है एनिमेशन के नाम से उसको, तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो विंडो एनिमेशन स्केल, तो इसको हम 0.5x कर लेंगे, ट्रांजिशन को भी 0.5x कर लेंगे, एनिमेशन को भी 0.5x कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि आपकी जो टीवी है वो बहुत ही आपको लगेगा कि फास्ट वर्क कर रही है। तो ये बेसिकली जो आपका एनिमेशन हो वो फास्ट हो जाएगा, तो इससे आपकी आपको फील होगा कि आपकी टीवी बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क कर रही है। तो ये था गाइस चौथा टिप। अब बात कर लेते हैं पांचवे के बारे में। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी यहाँ से एप्लीकेशन मूव करना है, अप डाउन करना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हो, तो इसके लिए आपको जो ओके वाला ये बीच वाला जो बटन देखने को मिलता है उस पर आपको प्रेस करके रखना है। प्रेस करके जैसे ही आप रखोगे तो यहाँ पे आपको मूव का बटन देखने को मिलेगा,
तो यहाँ पे मूव को सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे आपको नीचे जाना है, आपको जहाँ भी लगाना है वहाँ पे आप सेट कर सकते हो। और किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप लगाना चाहते हो उस पर आप सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे आके उसको पुट कर देना है। तो ये था गाइस पांचवा टिप्स, तो ये भी काफ़ी यूजफुल रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए। और अभी तक आपको ये जो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिल रहा होगा। सो गाइस जब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टिप्स के बारे में, तो इसके लिए आपको अपनी टीवी की सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे डिवाइस प्रेफरेंस में जाना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फॉन्ट स्विच का, तो अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो इसमें आपको दो फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं, मी लाइटनिंग प्रो और यहाँ पे एंड्रॉयड फॉन्ट। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। सो गाइस जब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टिप्स के बारे में और फाइनल टिप्स रहने वाला है, तो इसके लिए आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे डिवाइस प्रेफरेंस में जाना है एंड देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है एक्सेसिबिलिटी का, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कैप्शन। तो कैप्शन को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पे देखने को मिलता है हाई कंट्रास्ट, तो अगर आपको हाई कंट्रास्ट में चाहिए तो आप इसका यहाँ पे यूज इनेबल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से अलग ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अलग से उसमें एक लेयर ऐड हो जाएगा ब्लैक कलर का, आप अलग से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो ये थे गाइस कुछ Redmi और Mi TV के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आप सभी लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर एक बार सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।